वेलकम बैक टू आवर चैनल चैंपियन आर लर्नर। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 7 सर्कल। सबसे पहले जानेंगे सर्कल्स के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। देखिए सर्कल, अगर हम ये सर्कल बनाते हैं, सर्कल है ठीक है, ये सर्कल क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है, और जिस भी शेप में कोई वर्टेक्स नहीं हो तो उसे हम लोग सर्कल बोल सकते हैं ठीक है। जैसे सपोज दैट ये आपके सामने बना हुआ है ठीक है, कोई भी सर्कल हो सब में कोई ना कोई एक सेंटर जरूर होता है, विदाउट सेंटर हम सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेंटर हो गया सेंटर, देखिए ये देखिए आपको दिख रहा है सेंटर, इसे हम सेंटर कहते हैं। सेंटर से अगर कोई भी लाइन आउटसाइड को टच करती है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। यहाँ से अगर कोई भी लाइन सेंटर से होते हुए आउटसाइड को टच करेगी तो इसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसे हम रेडियस बोलेंगे ठीक है। आउटसाइड से कोई लाइन सेंटर से होते हुए फिर आउटसाइड पे चली जाए ठीक है, आउटसाइड से कोई लाइन आए और सेंटर पे टच होते हुए फिर आउटसाइड पे चले जाए, वो लाइन को हम लोग डायमीटर बोलते हैं ठीक। हम यहाँ पे बना लेते हैं जे नो, इसे बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, अब आया कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड ऐसी लाइन जो सेंटर से होके जा नहीं जाती है पर आउटसाइड को टच करती है, दो आउटसाइड को टच करती है ठीक है, उसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। सपोज दैट ये सेंटर है हमारा और इस पर वो लाइन टच नहीं होनी चाहिए, हम वो ऐसे भी जा सकती है, 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 इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं सर्कल के जिनको हम लोग को इसी के हेल्प से आगे के जो क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करना है ठीक है। आशा करता हूँ बताया गया एग्जांपल आपको समझ में आएगा, आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। पेज नंबर 41 पे देखिए, पेज नंबर 41 पे एक कुछ सर्कल ड्रॉ है, उसमें कुछ डायग्राम बने हुए हैं और सामने आपको एक कॉलम बना हुआ है रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड का। वहाँ पर आपको फिलअप करना है कि रेडियस कौन सा है, डायमीटर कौन है और कॉर्ड कौन सा है ठीक है। पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। अब इस सर्कल से आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया है सेम वही मेथड को यहाँ पर रखना है और जो भी वैल्यू दी गई वो निकल जाएगी ठीक है। जैसे रेडियस अभी मैंने आपको बताया, ऐसी कोई भी साइड जो आपकी आउटसाइड से होकर सेंटर पे जाती है, सेंटर से आगे नहीं, आउटसाइड से सेंटर तक, बस इतना उसका लिमिटेशन है। जो ऐसी साइड होती है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसमें देखते हैं कौन कौन सी रेडियस है, देखिए ओ एस रेडियस है हमारी, ओ एस, फिर क्या है ओ टी, फिर क्या है ओ पी, फिर क्या है ओ एम ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। अब डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होते हुए लाइन जाती है उसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं, आउटसाइड से होके सेंटर से होते हुए फिर आउटसाइड पे चली जाए ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी डायमीटर। इसमें देखते हैं एस, देखिए सेंटर से होकर जा रही है तो एस ओ पी इसे बोल सकते हैं या एस पी बोल सकते हैं, हम देखेंगे एस पी ठीक है। दूसरी साइड क्या है हमारी एम टी, सेंटर से होकर जा रही है तो लिखेंगे एम टी। कॉर्ड का है एम एन, ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है एम एन, ये आपका हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है। प्रैक्टिस सेट 41 पे दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको तो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, लाइन खींचने के बाद फिर आपको लेना है राउंडर, राउंडर लेने के बाद एक लाइन यहाँ पर रखना है, यहाँ पर सर्कल ऐसा कोई ड्रॉ करना है ठीक है। ये हमारा पहला सर्कल हुआ, यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, आप जो नाम चाहें इसको दे सकते हैं, ओ ए कुछ भी दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, पहले आप 4 सेंटीमीटर की एक
लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद राउंडर से आपको ऐसे सर्कल बनाना है, ठीक है। फिर इसका भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो भी कुछ भी समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, 3 सेंटीमीटर पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद फिर यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है कुछ ऐसा। आशा करता हूँ बताया गया क्वेश्चन समझ में आया होगा। सर्कल तो परफेक्ट नहीं बना है, पर है इसी तरह करना आपको इसी तरह, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। आप देना चाहें तो इसमें शॉर्ट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। हमको किसी भी रेडियस से, किसी भी मेजरमेंट से एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, शो वन डायमीटर रेडियस एंड कॉर्ड डेट ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर आपको रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर तीनों शो करना है, ठीक है। तो हम कोई भी ले लेते हैं, सपोज दैट 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने रेडियस, ठीक है। ये हमारे रेडियस हो गई, ये हमने सपोज किया, ठीक। अब हमें एक सर्कल बनाना है, ये हमने 2 सेंटीमीटर का लिया। अब यहाँ पर एक नाम दे देते हैं O, यहाँ दे देते हैं M। अगर यहाँ पर अभी हमें डायमीटर शो करना है तो कैसे करेंगे, जो M से लाइन आपके सेंटर पर आ रही है उसे हम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ N लिख देते हैं। अब यहाँ पर इस सर्कल के अंदर आपको कॉर्ड भी शो करना है। कॉर्ड मीन्स कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर विदाउट सेंटर से होके जाती है, इसका नाम दे दीजिए A एंड B, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शो कर दिया, ये कॉर्ड हो गया हमारा, ठीक है। ये लाइन O और M क्या हुई, रेडियस हुआ, और ये पूरी लाइन मेजरमेंट क्या हुआ, डायमीटर हुआ। आशा करता हूँ बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।